पिछड़ा पावे सो में साठ, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, नीची जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, जो आज काम करता है उसको अपमान सहना पड़ता है, जो निकम्मा है उसका सम्मान किया जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जागो हे पिछड़े के लोग, जागो और पढ़ना लिखना सीखो। हम 5 किलो का राशन दे रहे हैं, इनकी राशन की जरूरत हमें नहीं है, ये हमें नौकरी दे दे, ये हमें सरकार में भागीदारी दे दे, हम इनके राशन के भूखे नहीं है। मुझे याद है 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी लाल किला से संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि दाता पाता का नाता छोड़ो, भ्राता का नाता हमसे जोड़ो, तुम अमीर नहीं हम गरीब नहीं, अगर रोटी है तो पूरी रोटी देने का काम करो, मैं टुकड़े लेने का काम नहीं करूंगा। इसी साथ के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें अधिकार मिलेगा, हमें नौकरी में भागीदारी मिलेगी, हमें सरकार में पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलेगी, तो हम अपने आप अधिकार को लड़के ले लेंगे, इनके इनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन ये 85% लोग जाग जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर नजर नहीं आओगे, इसलिए 85% को जगना पड़ेगा, 85% को संघर्ष करना पड़ेगा। 15% आज लोग सरकार में हैं और हम 85% बाहर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये मेरी मूर्खता के कारण ये खड़े हैं। ये तपस्या और आपके संघर्ष के बदौलत चार चार बार मुख्यमंत्री रही, लोकसभा के सदस्य रही, राज्यसभा के भी सदस्य रही। बहुजन समाज पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है, एक निचले पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनके लिए ये पार्टी है। ये शोषित वंचित दलित पिछड़े जो सबसे कम समाज में कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी पार्टी है और उनकी आवाज को सदन में उठाने का काम करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो देश में सरकारें हैं वो आपकी सरकारें नहीं हैं, ये सरकारें आपके लिए काम नहीं करती है, ये बहुजन समाज के लिए काम नहीं करती, ये मनुवादी पोषक समाज के लिए काम करती है। इसलिए आपको जगना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। बहन जी का उम्र अब 68 साल का हो गया है, बहन जी आप जैसे महिलाओं को भी बनना पड़ेगा, आप जैसे भाइयों को भी मानवर काशीराम साहब बनना पड़ेगा, तभी ये मिशन आगे बढ़ेगा, तभी ये मिशन चलेगा। मैं आप लोगों से कहता हूँ, ये सरकार कहते हैं सबके साथ सबका न्याय सबका साथ, ऐसा क्या हो रहा है? सबका न्याय, सबका न्याय जब ही हो सकता है जब सभी जाति धर्म के लोग, सभी वर्ण के लोग सत्ता में भागीदारी होगी, सभी संसद में जाएंगे, सभी का बेटा MLA MP बनने का काम करेंगे, निगम पार्षद बनेगा, तभी आपकी आवाज़ उठेगी। जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, मैं हम लोग कहते हैं भाई कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा, क्या हो रहा है सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका विकास होगा तो सभी वर्ण के लोगों का बराबर काम होगा। आज देश में बराबर का काम नहीं हो रहा है, कहने को बहुत कुछ के ये लोग कह रहे हैं मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ, जब ये आज भारत के संविधान खतरे में है, संविधान क्यों खतरे में है? कि ये अपने मनमर्जी से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, संविधान से बड़ी पार्टी नहीं, कंधे से बड़ी छाती नहीं, संविधान से बड़ी पार्टी नहीं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम कैसे बचेंगे, अगर संविधान रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे। इसलिए संविधान बचाना सबसे जरूरी काम है, संविधान बचना चाहिए तभी ये देश बचेगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो पार्टी लेकर के हम क्या करेंगे? पहले संविधान बचाना है। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, यह बहुजन के 85% जनसंख्या है, जिस दिन ये 85% लोग जाग जाएंगे तो आप लोग यहां पर नजर नहीं आओगे, इसलिए 85% को जगना पड़ेगा, 85% को संघर्ष करना पड़ेगा। 15% आज लोग सरकार में हैं और हम 85% बाहर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये मेरी मूर्खता के कारण ये खड़े हैं, ये सरकार में हैं। आज आपसे कहना चाहता हूं कि 85% की सरकार होनी चाहिए, जिसका बहुमत होता है वही तो सरकार में होता है। इस आज हम बाहर खड़े हैं और ये लोग सरकार में बैठे हुए हैं, हमारा काम करने के लिए नहीं चाह रहे हैं। आज संविधान खतरे में है दोस्तों, संविधान को बचाना पड़ेगा। केवल बहन जी ही नहीं बचाएंगी, आप लोगों को भी जगना पड़ेगा। आप लोग जब जगोगे तभी संविधान बचेगा।
बचेगा, संविधान नहीं तो मिट जाएगा, ये लोग मिटाने पे तुले हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ संविधान बचाना सबसे पहले जरूरी है। जो लोग आज आवाज उठाते हैं इनके खिलाफ, उनको या तो दमनकारी नीतियों से कुचल दिया जाता है, या तो उनके पीछे CBI और ED लगा दिया जाता है, मगर इंसाफ देने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप देखे होंगे जो लोग सर इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको ये कुचलने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों झगड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, इस देश में आपकी कोई रक्षा करना करने वाली है तो वो बहन कुमारी मायावती जी है जो रक्षा करेगी। कहते हैं कि बहन जी ने क्या काम किया है, अरे उत्तर प्रदेश में जाकर देखो, पहले आप बस में चढ़ते थे तो अपनी जाति को छुपा करके चढ़ते थे, जब बहन जी की सरकार थी तो कहते थे हाँ हम हैं धोबी के बेटे, हम हैं पासी के बेटे, हम हैं जाटव के बेटे, बोलो क्या बात है, इस दाबी के साथ बात करते थे। आज हमारी सरकार नहीं है, जिसकी सरकार है वो लोग न्याय करने का काम नहीं कर रहा है, वो अन्याय करने का काम कर रहा है। आपको कहना चाहता हूं, ये कहते हम 5 किलो का राशन दे रहे हैं, इनकी राशन की जरूरत हमें नहीं है, ये हमें नौकरी दे दे, ये हमें सरकार में भागीदारी दे दे, हम इनके राशन के भूखे नहीं है। मुझे याद है 1990 में बिश्नोई प्रताप सिंह जी लाल किला से संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि दाता पाता का नाता छोड़ो, भ्राता का नाता हमसे जोड़ो, तुम अमीर नहीं हम गरीब नहीं, अगर रोटी है तो पूरी रोटी देने का काम करो, मैं टुकड़े लेने का काम नहीं करूंगा। इसी साथ के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें अधिकार मिलेगा, हमें नौकरी में भागीदारी मिलेगी, हमें सरकार में पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलेगी, तो हम अपने आप अधिकार को लड़के ले लेंगे, इनके इनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पढ़ोगे लिखोगे तभी DM CM PM सभी बनोगे, अगर अनपढ़ रहोगे तो आप मांगो, पढ़े लिखे रहोगे नहीं तो मांगोगे क्या। इसलिए कहता हूँ मांगने वाला काम मत करो, देने वाला बनो, पढ़ना लिखना सीखो, आगे बढ़ो और संघर्ष करो। ए बहुजन के लोगों, 85% हो आप, 85% कम नहीं होता है, मैंने देखा है संघर्ष से बिहार में लालू यादव इनके नाक के नीचे से सरकार छीन ली और सरकार में आज है और पिछड़े के बेटा राज कर रहा है बिहार में, 35 साल से पिछड़ा का बेटा राज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि बिहार के पिछड़े के बेटे जग चुका है, इसलिए पूरे देश में आपको जगना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जगो, पूरे देश में इनकी सरकार करके उखाड़ करके फेंको। 85% आप कमजोर नहीं हो, आप दबे नहीं हो, कुचले नहीं हो, आप मनमर्जी से कुचले जा रहे हो, क्योंकि ये शूद्र नहीं, हमें कहते हैं ये शूद्र है, हम शूद्र है, अगर ये शूद्र इनकी ढाल ना होता तो ये सरकार में नहीं होते। इसलिए कहना चाहता हूं जागो ए मेरे बहुजन के कमेरा वर्ग लोग। राम मनोहर लोहिया एक दो पंक्ति कहते थे, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाँ, अंग्रेजी और ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, नीची जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। जो आज काम करता है उसको अपमान सहना पड़ता है, जो निकम्मा है उसका सम्मान किया जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जागो हे पिछड़े के लोग, जागो और पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो और तभी आप DM PM CM सभी बन सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जागो, मैं विशेष बात नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे वक्ता यहाँ पर हैं, इसलिए कहता हूँ जय भीम, जय भारत, जय मानवर काशीराम साहब, जय बहन कुमारी मायावती जी, धन्यवाद।